खबर का जबरदस्त असर देखने को मिला है। माफिया मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण सामने आने के बाद जिले में फर्जी एम्बुलेंस की खबर प्रमुखता से चलाई जा रही थी। चैनल की खबर का संज्ञान लेकर एआरटीओ ने एम्बुलेंस की जांच कराई थी। इस दौरान लगभग 100 एम्बुलेंस बगैर फिटनेस के संचालित होते मिले थे। करीब 30 एम्बुलेंस राजेपुर स्थित एक गांव स्थित मेडिकल सेंटर के नाम पंजीकृत थी। मौके पर ना तो कोई मेडिकल सेंटर संचालित होते दिखा और ना ही कोई एम्बुलेंस। इसको लेकर एम्बुलेंस संचालक को परिवहन विभाग ने नोटिस जारी किया था। जवाब ना मिलने पर आरटीओ ने उनका पंजीयन निलंबित कर दिया था और पीटीओ को मौके पर जांच करने के आदेश दिए। इसमें नामी गिरामी डॉक्टर व अस्पतालों की एम्बुलेंस शामिल है। कई एम्बुलेंस ऐसे अस्पतालों के नाम पर दर्ज है जो कि मौके पर नहीं बल्कि राजेपुर क्षेत्र के गांव बरखा स्थित एक कपूर मेडिकल सेंटर के नाम से 30 एम्बुलेंस पंजीकृत है। बता दें, गांव के आसपास इलाके में मेडिकल सेंटर ही नहीं संभागीय परिवहन कार्यालय में 140 एम्बुलेंस की पंजीकृत है। जिले में संख्या सैकड़ों में फरुखाबाद शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों के सामने का जनावड़ा रहता है। अस्पतालों संचालक साठगांठ कर उनका संचालन कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। बरखा में कितनी एम्बुलेंस ऐसी हैं जो चल रही है और कितनी ऐसी हैं जिनका जो है अवैध रूप से पंजीकरण कराया गया है? यहाँ पे लगभग 140 एम्बुलेंस पंजीकृत है, जिसमें से 103 एम्बुलेंस की फिटनेस वैलिड है। इसके अलावा जो 37 एम्बुलेंस है उनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उनको नोटिस भेजे गए हैं कस्टम डाल से। और यहाँ तक अवैध रूप से चलने का मामला है, इसमें बरखा राजेपुर में कपूर मेडिकल सेंटर है, उसके नाम से 23 गाड़ियाँ पंजीकृत हैं। वहाँ पे नोटिस भेजे गए थे, नोटिस सर्व नहीं हुआ लौट आया है, उनके रजिस्ट्रेशन निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। तो सेंटर उपलब्ध है कि नहीं है इसमें? नहीं, सेंटर सर्वे करवाया गया, वहाँ पे कपूर मेडिकल सेंटर कोई नहीं है। इसी आधार पे उसका MB एक्ट के तहत उन एम्बुलेंसेज का पंजीकरण जो है निलंबित किया जाएगा। फर्जी तौर पर पंजीकरण कराया गया, उसमें क्या परिस्थिति हो सकता है रहा हो सेंटर में, और उसका नॉमिनक्लेचर जो गाड़ी का होता है वो एम्बुलेंस भी स्पेसिफाई होता है, उसमें जो मानक उसके हैं वो उसी मानक के हिसाब से बनके उसका ट्रायल और वो सब होके ना जो उसका टेस्टिंग एजेंसीज के थ्रू उसको जो अप्रूवल मिलता है, टाइप अप्रूव्ड गाड़ी होती है वो 22 नंबर फॉर्म पे होती है। कंपनी उसका टाइप अप्रूवल लेती है टेस्टिंग एजेंसी से और वो टाइप अप्रूव गाड़ी ही रजिस्टर्ड होती है, वो 22 नंबर फॉर्म पे आती है। तो गाड़ी बाहर का 6 के ऊपर कोई आउटसाइड बॉडी बिल्डर फैब्रिकेशन अलाउ नहीं है। अगर जो गाड़ी 22 नंबर फॉर्म पे जो फैब्रिकेशन होके आ रहे हैं उसमें कोई चेंजेस करता है तो MB एक्ट के तहत उनके साथ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए कैपेसिटी है। उसमें फिटनेस होता है, फिटनेस में क्या देखा जाता है? फिटनेस में मैक्सिमम ये देखा जाता है कि गाड़ी का जो 22 नंबर फॉर्म पे आई है जो अपने स्टैंडर्ड से आई है उसमें ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ पार्ट्स निकाल के डेविएट कर दिए हों या उसका कुछ मॉडिफिकेशन कर लिया हो गाड़ी में, जैसे उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेचर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फर्स्ट एड बॉक्स, ये सब चीज़ें देखते हैं। और साथ में जो सायरन और डोम लाइट्स, गाड़ी में रेडियो रिफ्लेक्टिव टेप, वो सारी चीज़ें और उसकी मैकेनिकल कंडीशन गाड़ी की देखते हैं। अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। गेटेड सोसाइटी, सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।